अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों ने मेरे वीडियोस को देखना शुरू किया। मेरी नज़र में ये इब्तिदा है, क्योंकि बाज़ लोग ऐसे भी वीडियो बनाते हैं जिसमें एक लड़की पुप नहीं करती बोल के लिखा और वो मिलियंस में देखे। और एक दफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के लिए एक कॉप्टिक क्रिश्चियन ने, जबकि वो अल्लाह को ही मानता है बाइबल के अतबार से, उसने इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखा, इस्लाम के ख़िलाफ़ वीडियो बनाया तो मिलियंस में लोग देखे। तो इस तरह से इंसान का जहन जो बेकार की बातों में और फ़न में और जो है दुनिया की लुत्फानंदोज़ ज़िंदगी के अंदर वक्त गुजारने से बेकार जा रहा है। तो मैं अल्लाह के दीन की फ़िक्र वाले, वो जो चंद ही जन्नत में जाएंगे, उनको मैं मज़बूत बनाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़िक्र से बनाता हूँ और दुआ करता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और फिर अल्लाह से फिर दुआ करके मांगता हूँ कि अल्लाह ये नौजवान जो देखते हैं मेरा वीडियो वो मज़बूत हो जाए। अच्छा, अब मैं ख़ास बात बताता हूँ कि इंसान के हर इंसान के ऊपर शैतान है, इसका मैं प्रूफ करूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान मोमिन हो गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो हर इंसान पर शैतान अल्लाह क्यों मुसल्लत करा? क्योंकि जन्नत का एक कॉम्पिटिशन है। अल्लाह से उसने जो है झगड़ा जब किया तो कहा कि मैं आदम की औलाद को भटकाऊंगा, और अल्लाह ने कहा कि तू उनको नहीं भटका सकता जो मेरे जो है बंदे हैं और मेरा रहम और करम उनके ऊपर है, और मैं उनको सिरात मुस्तकीम दूंगा, गाइडेंस करूँगा। यानी अल्लाह ताला ईमान हमारा हिफाजत करेगा, मजबूत रखेगा, वो इसके दरमियान में रखेगा। अगर ये टेढ़े कर देगा तो इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो इंसान। तो अल्लाह ताला ने शैतान को कह दिया। अब शैतान की बात, क्रिश्चियन एक आदमी है अमेरिका के अंदर, वो अपनी बेटी के साथ जाता है, वो बेटी के साथ जिना गुना या बलात्कार नहीं बल्कि मोहब्बत करता कह रहा है, और वो लड़की कहने लगी उसके अपने एक पास्टर को, जो उनका मिनिस्टर या उनका प्रीस्ट कह लो या उनका जो ज़िम्मेदार शख्स है चर्च में, उससे कहने लगी कि मेरा बाप शैतान की इबादत करता है, इस वास्ते वो मेरे साथ बिस्तर करता है। ये आपको प्रूफ कर रहा हूँ मैं, शैतान इंसान के साथ बहुत कुछ करा देता है बर्बाद करने के लिए। दूसरी बात, एक दफ़ा मैं यहाँ पहले एक मामूली स्टोर में काम करता था, एक क्रिश्चियन आया, मैंने कहा कि भाई तू इस्लाम कबूल कर ले। हालांकि मैं उस ज़माने में मज़हबी ख्याल से नहीं जीता था, यहाँ तो मैं तो फ़न के लिए आया था अमेरिका में। तो उसने कहा मैं ऐसा मज़हबी अपनाऊँ जिसमें कज़न के साथ सेक्स को जाते हैं, शादी करते हैं, यानी बिस्तर करते हैं, मैं नहीं चाहता। चंद दिनों बाद मैंने सबवे के अंदर सफ़र किया अमेरिका के न्यूयॉर्क के अंदर, तो सबवे के अंदर यहाँ एड्स लगाते हैं हर जगह, आप देख लें कोई भी ट्रेन हो, आर ट्रेन, जी ट्रेन, सेवन ट्रेन, और अगर ए ट्रेन, वन ट्रेन, कोई भी ट्रेन में आप जाएं वो एडवर्टाइजमेंट्स के एड्स होते हैं। तो उसमें एक लगा हुआ था एक जगह के क्रिश्चियन को वो आगाह कर रहा है, वो क्रिश्चियन तू अपनी कज़न के साथ लव मत कर, तू सेक्स मत ले। ये क्या है? ये खिलाफ़ बाइबल है। तो इसीलिए अल्लाह ताला एक बार मेरे ख्वाब में डाला और मैं वो आदमी को नहीं पकड़ सका। अरे तेरी औरतें तो आजकल कज़न के साथ जा रही, जबकि तू हमको कज़न के साथ जाने के ऊपर जो है बड़े इल्ज़ाम की तरह जो है कुछ ना कुछ कहने के लिए जो है हिमाखसे इस्लाम को तू रिजेक्ट करने के लिए कहा कि हम कज़न के साथ नहीं जाते, जबकि तेरे अपने न्यूयॉर्क के अंदर एड लगा हुआ है कि कज़न के साथ सेक्स ले रहे लड़के लड़कियाँ, यानी ईच अदर कज़न्स। ये एक शैतानी हुरबा है जो शैतान इंसान को बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला यही कहा कि ये आने दो मेरे पास, मैं इनको जलील करूँगा क़यामत के दिन यानी हशर के मैदान में। ये गुनाह करेंगे, यानी ये गुनाहों की तरफ मलहूस है। अब ये बाइबल के एतबार से, बाइबल में जो है दो दफ़ा जहर का एक जिक्र है, वो फेल हो गया। इनको मैं बताया कि बाइबल ये गलत है, देखो वो जहर पी के 800 लोग मर गए अफ्रीका के अंदर, और फिर उसके बाद में वो फोरकास्ट किए कि जी 2012 में
दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो यहाँ तक पॉम्फलेट्स भी फ्लैट्स भी बांटने लगे, बसेस लेके फिरने लगे, लाखों रुपया खर्च करे अमेरिका के अंदर। तो ये बाइबल के फोरकास्ट भी गलत है बताया, तभी नहीं मानते। फिर मैंने उनको ये भी ख़ास बात कही कि देखो भाई, बाइबल के अंदर मक्का है जहाँ पर हज किया जाता है, ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम भी किए, तुम्हारे पास खुद गवाह है। यहाँ तक कि नमाज़ पढ़े ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे बाइबल के अंदर गवाह है, यहाँ तक कि रोज़ा रखे 40 दिन का तुम्हारे बाइबल के अंदर गवाह है, यहाँ तक कि वो खतना कराए हमारी तरह बाइबल के अंदर गवाह है। तो इन बातों का उनको लेना ना देना वाली ऐसी बात है, लेकिन अल्लाह ने मुझे ख्वाब में बताया कि इनसे तुम जो कहते हो कि आदम बिना माँ बाप के पैदा किया अल्लाह ने, और बिना माँ के हवा को पैदा किया अल्लाह ने, बिना बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया अल्लाह ने, तो ये बोलने के साथ साथ अल्लाह ने मुझे इशारा दिया कि उनको कहो कि बाइबल को फॉलो कर लो, यानी बाइबल के अंदर वही हुक्म है जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरा के तौर पर, ला के तौर पर हमको अहकाम जारी किए, और हम उसी पर अमल करते हैं। अच्छा, अब ये ख़ास बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर आदमी इंसान बाइबल के साथ हशर के मैदान में ठहरेगा, ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है वहाँ कोई ऐसा गवाह नहीं, आप कोई भी मजहबी किताब ले लें, गीता ले लें या वेदास ले लें, या फिर आप तौरे के तौरात के ले लें, या फिर जो है साम के ले लें, या इंजील के कह लें, या फिर जोरास्ट्रियंस की, या दुनिया की कोई भी किताब के अंदर अल्लाह के सामने, जैसा गॉड के सामने जजमेंट के दिन तुम्हें ठहरना है, अल्लाह ने सिर्फ चैलेंज कुरान के अंदर किया, और अल्लाह का नाम सबसे ज़्यादा कुरान के अंदर और कोई किसी भी किताब के अंदर गॉड का नाम इस तरह से नहीं। गॉड अल्लाह के माने है ट्रू गॉड, जो आजकल गाना भी बना है इंडिया में, भगवान गॉड और अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। तो अब गॉड के वजह से क्यों कन्फ्यूज़ है लोग बोले तो, यहाँ होली फादर एंड सन समझते हैं, स्पिरिचुअली सन समझते हैं जीसस को, और जो है गॉड को सन है कहते हैं, जबकि तौरात के अंदर गॉड को बेटे ही नहीं है। 26 बुकों की तौरात है, वो चीदा चीदा है, और वो सिर्फ आपको यहूदियों के पास मिलेंगी, और यहूदियों के पास जवाब मिलेगा कि अल्लाह को यानी खुदा को, या वो लोग हशान कहो या जहोवा कहो या गॉड कहो, उनको नाम भी नहीं लेते वो लोग, तो भी उनके पास वो जो खुदा है उसको बेटे नहीं है किताबों में, एने अले किताबों में। तो ये झूठे साबित होंगे सामने आपके। दूसरी बात, ईसा अलैहिस्सलाम को अगर ये खुदा कहेंगे तो हशर के मैदान में बाइबल के साथ जब ये ठहरेंगे तो वहाँ किताब में नहीं मिलेगी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है जैसा। अल्लाह की किताब अगर से तुम हिफ्ज करके जाओगे तो तुम्हारे को प्रूफ के तौर पर तुम खुद बता सकते हो, पूरी कायनात के अंदर जो किताब में चैलेंज है वो है अल्लाह, दूसरी किताबों में कहीं नहीं मिलेगा इस तरह गॉड का निशान। अल्लाह ताला इंसान को समझा रहा है तरीके से। अब मेरे भाई, अब आप सोच लिए, अगर अल्लाह ताला इंसान को पैगंबर बना के भेजा, तो ये आदमी जो बाप है अपनी बेटी के साथ बिस्तर कर रहा, कितनी गंदी बात है, ऐब वाली बात है, बुरी बात है, जो इंसान के समझ से बाहर है। इस वास्ते औरत के ऊपर जिन आता है, जिन आने के बाद मैंने कई जगहों पर देखा है जिन्नात हावी कर लेते हैं औरतों को, लेकिन उनसे बच्चा नहीं पैदा होता, या वो जो जिस पर जिन होता है वो नहीं कहेगी कि मेरे को जिन के साथ बिस्तर करने से बेटा पैदा हुआ, ये भी एक राज के तौर पे है, मगर जिन आते हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला आदम की फसली से सबको पैदा किया कहा। और एक ख़ास बात मैं अपने मुसलमानों भाइयों को बताता चलूं, जब आप अल्लाह के सामने होंगे तो आप अपनी कुरान लेके ठहरेंगे, दूसरी किताबों के हाफिज नहीं होंगे, वहाँ हिफ्ज़ किया हुआ कोई नहीं होगा, पूरी कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ सामने ठहरेगा अल्लाह के। ये सबसे बड़ी निशानी है अल्लाह की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा होना सबसे बड़ी, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ये हर सेकंड क़यामत तक पुकारा जाएगा। और दुनिया के अंदर आप देख ले, ताजमहल आज टूटने वाला है, 400 साल हो गया, उसको फिर से रिकंस्ट्रक्शन करेंगे या उसको जो है अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताजमहल को, लेकिन अल्लाह का घर मक्का काबा आदम अलैहिस्सलाम से आज तक क़यामत तक रहेगा, अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा और करेगा बेशक,
उसके ऊपर कई दुश्मन नजर डाले, उसके बावजूद भी फेल हो गया। अब्राफ खुद फेल हो गया, अमेरिका भी कभी भी सोचता रहा कि मुकद्दस मकाम पर हमला करे, जबकि मदीना के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईसा अलैहिस्सलाम की तुर्बा खबर है। तो अल्लाह हिफाजत करा मक्का की, मक्का एक वाहिद ऐसा घर है जो तुम्हारे सामने मौजूद है। अब सोच ले इंसान, तुम जो भी बिजनेस करते हो या जो भी खरीदते हो, जो भी तुम्हारी दुनिया के अंदर कारोबार होता है या तुम जो घर को अपने खरीद कर लाते हो, वो सारी देखी हुई चीज़ें खरीद कर लाते हो, तरकारी हो ग्रॉसरी हो देख कर लाते हो, या अगर कॉलेज में एडमिशन लोगे तो कॉलेज देख कर लोगे और कॉलेज तुम्हारे को सर्टिफिकेट देगा ऑथेंटिक, कहेगा कि जी ये बच्चा सर्टिफाइड है, ये पास है, ये बैचलर है, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर का भी हो तो देख कर। यहाँ तक कि एक कंट्री अगर जाते हो तो पासपोर्ट के हिसाब और वीज़ा के हिसाब से देख कर जाते हो। दुनिया की हर चीज़ इंसान देख कर करता है, अल्लाह नजर नहीं आने की क्या वजह है, सोचने क्यों नहीं रहा है। अब अगर से कोई कह ले कि गणेश की ऋतिक रोशन जैसा जो है दीवाना बन के वहाँ नाच रहा बॉम्बे में, तो आप कलकत्ता गए तो काली माँ के सामने नाच रहे, फिर तुम दुर्गा माँ भी कह ले रहे, फिर तुम अगर से आंध्र प्रदेश आ गए तो वेंकटेश्वर के सामने बोल के भी, इस तरह से ये मद्रास चले गए उधर एक गार्ड, यानी फिर नेपाल भी गए आप, मालदीप भी गए, वहाँ भूटान भी गए, वहाँ से आप जो है माली तक गए, किधर भी जाओ खुदाओं के चेहरे अलग, मूर्ति का अलग, त्यौहार अलग, सब कुछ अलग। और कोई ये नहीं कहेगा कि जी दुर्गा किसी को नज़र आई अमेरिकन, यानी मतलब ये कि वो क्रिश्चियनिटी वाला दुर्गा को नहीं जानता, क्रिश्चियन का ईसा अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान वाले नहीं जानते थे, आज हिंदुस्तान के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, और यहाँ हिंदू दिवाली मना के हिंदू गार्ड्स को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे, तो इंसान क्यों नहीं समझ रहा, देख क्यों नहीं रहा है, फिर इंसान को देखना क्यों नहीं हो रहा कि गार्ड नज़र नहीं आ रहा, मैं पत्थरों को क्यों पूजा करूँ, गार्ड नज़र नहीं आ रहा, मैं इंसानों को क्यों खुदा समझूँ। ये बहुत बड़ी बात है, देख कर काम करता है आदमी। अच्छा, अब ख़ास बात ये होती है इंसान की कि जी अगर आप फल लेते हो काट कर उसके अंदर देखते हो कि वो फल अच्छा है कि नहीं है, या तरकारी काट कर देखते हो अच्छा है कि नहीं, उसी तरह इस्लाम है। अगर मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बताऊं, गंजल व अर्श ये जो है आप ले ले, हमारे जो है आपको मिल जाएगा बंसूरे में, उसमें दिफाए परेशानी बोल के दुआएं हैं, 21 बार पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, सेहतमंद हो जाएंगे आप, खुद ब खुद महसूस करेंगे। उसके अंदर चहल काब बोल कर है और उसका पढ़ने का तरीक़ा है दरुद के साथ, अगर आप वो पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको गैब से पैसे मिलने लगेंगे, लेकिन उसका एक नुकसान ये होगा अगर दरुद आपका स्ट्रांग नहीं है और आपका जो है फेथ स्ट्रांग नहीं है, आपको पैसे मिलेंगे मगर आप बीमार पड़ जाएंगे। तो यानी पैसे मिलने की भी उसमें दुआ है और शिफा होने के लिए भी दफाए परेशानी भी है, आपके अजाबात, आपके बीमारियां, आपके परेशानियां, आपके ऊपर कोई हमला होने वाला है, वो सारे यहाँ तक के शैतान को भगाने के, शैतान जिन्नात के ऊपर असरात को भगाने, ये सारी आपको जो है मिलेंगी पंचसूर्य के अंदर। पढ़ता नहीं मुसलमान, मेरी मिसेस 2 PhD है एंथ्रोपोलॉजी में और सोशियोलॉजी में, और मास्टर डिग्री 4 है उसके पास, लेकिन ज़िंदगी में बचपन में एक बार कुरान पढ़ी। अब आप अंदाज़ा कर ले तर्जुमे के साथ, मतलब तर्जुमे के साथ कौन मुसलमान पढ़ता है, मुसलमान का यकीन क्यों कम हो गया, मुसलमान को दुआओं में असर क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुसलमान पंचसूरा लेकर वो बातें जो नहीं मैं उसमें दुआ जमीला है आप पढ़ के देखिए, आप जो है गंजलर्श बोल के एक दुआ है मुसलसिल पढ़ें, आपके हालात बदल जाएंगे, मैं खुद कह रहा हूँ दावे से, क्योंकि अब मैं वो जो बात कही थी कि ताजमहल अब गिरने को है, तो मैं इंसान की हकीकत बताना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर दांत पूरे गिर रहे हैं, हालांकि मैं 56 ईयर्स ख़त्म हो रहे मेरे, हाँ अच्छा मेरी आँखें 7-8 साल पहले ये फट जा रही थी डायबिटीज से, तो मैं फ़कत शफना अन का किता का फ़बसकल योम अदीद सूरह खाफ में 14 आयत के दरमियान से पढ़ता हूँ दरुद के साथ और आँख को लगाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिनाई आज भी अच्छी है, वरना जो है मेरे आँख बिनाई से मैं महरूम हो रहा था। अब मेरे ये लेग के अंदर सूजन आती है, मैं उसको डिकॉशन पी कर और जो है हल्का सा डिकॉशन पी के
उसको जो है वो सूजन न्याय जैसा रखता हूँ। हालांकि मेरा पैर पूरा एक मानो में रायगा गया जैसा हो जा रहा और मेरे को हाई ब्लड प्रेशर होने लगा है मैंने से। और मैं ये दुआ जब से पढ़ने लगा हूँ, दुआ गंजरश की, शैतान भटकता है। वो रोज़ पढ़े तो कुन फई गुन अल्लाह फौरन हो जाना चाहिए था, नहीं, अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बराबर सब्र के साथ वो आपको जो है बताएगा कि देखो तुम्हारे अंदर तब्दीली आ रही, तुम स्ट्रांग हो रहे हो, तुम जो है सेहतमंद हो रहे हो, अल्लाह बताता है। तो ये जैसे तुम ईमान की दौलत हाथ में लोगे, जैसा तुम सब फल काटोगे तो उसके अंदर जो नज़र आएगा अच्छा फल है या बुरा, या सब्जी अच्छी है या बुरी, तुम अगर से उसमें देखोगे कद्दू के अंदर हो या फिर तरबूज के अंदर हो तो फिर पता चलेगा कि अंदर है क्या। तो उसी तरह अल्लाह का इस्लाम ऐसा है कि तुम अगर से उसमें उतरोगे तो पता चलेगा, अगर दूर रहोगे तो नज़र नहीं आएगा। तो अब ये दुर्गा को पूछती है कौन, काजल, बचपन से क्या दुर्गा उसके पास आई, वो शैतान है, बोलेगी आई मेरे पास। दुनिया के अंदर 8 बिलियन इंसानों के पास कोई तो ऐसा बता लो, लेकिन अल्लाह की कसम मैं वो किस्सा बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कसम खाना हुक्म नहीं है मगर फिर भी बता रहा हूँ, मेरे ऐसे ही ज़बान से निकल गया। तो हमारे अमीर थे हैदराबाद में, कर्नल साहब, कर्नल अमीरुद्दीन साहब, उनकी वालदा को ख्वाब में मक्का आया वो इस्लाम कबूल के लिए, जबकि वो क्रिश्चियन थे, उनके मामू आज भी क्रिश्चियन हैं। और एक मैं बताऊँ वाक़िया, बास्निया में एक लड़का मुसलमानों की हिफाजत किया जंग के दौरान, अल्लाह उसी दिन ख्वाब में आके बोले तो इस्लाम कबूल कर ले, यानी निदाई, तो इस्लाम कबूल किया। यहाँ पर 96 की मस्जिद में आया था, वहाँ पर जो है इस्लाम की खिदमत करने के लिए वो जो है फिर रहा था, गश्त कर रहा था। तो अल्लाह ताला की जो दीन की बात है वो आपको गवाह के तौर पर मिलेंगी। लेकिन अब ये जो शैतान लेके बैठे हैं दुर्गा, कालीमा, ये गणेश, ये सब हिंदुस्तान की हद तक ही। मैं हिंदुस्तानियों को जगाना चाहता हूँ, पाकिस्तानी तो सो गया, उसका नहीं तो ईमान ही नहीं है। उनके बड़े बड़े मैं शो देखता हूँ, बूढ़े से बूढ़ी औरत एक भी ऊपर पर्दा नहीं करेगी, पूरा मेकअप करके आएगी, बूढ़े से मरने वाली, जैसे अमेरिकन होते हैं वैसे यहूद नसारा के शौक अपना लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए थे। तो आदमी शैतान से बचने के लिए कुरान के अंदर, हमारे पंच सूरह के अंदर है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, पढ़ ले, हिफाजत कर ले, वरना घर के अंदर शैतान आता है। मैंने यहाँ पाकिस्तानी बाप को अपने बच्ची के साथ निस्बत करते हुए सुना, बच्ची खुद बताइए बात, ऐसे मुसलमान की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है, ऐसे कम ईमान वाले को अल्लाह की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी भी मेरा भाई है, वो पाकिस्तान लफ्ज़ इस वास्ते कर रहा हूँ कि वो किस्सा टीवी के ऊपर आता है, पाकिस्तानी बोल के डालते हैं वो लोग, ताकि सबको मालूम है। वो लोग बांग्लादेश को भी मुसलमानों में ही काउंट नहीं करते, इंडियन मुसलमान को भी काउंट नहीं करते। इंडियंस को बताए तो नमस्ते बोलेंगे, इंडियन कहीं का भी रहने दो, मुसलमान रहने दो या कोई भी रहने दो, नमस्ते बोलेंगे उसको इंडियन को। और फिर बंगाली को जो है भालू बासो क्या कि भालू हसन क्या कुछ कहते हो वो कहेंगे, लेकिन जहाँ पाकिस्तानी है वो पाकिस्तानी को सिर्फ मुसलमान के तौर पर जो है बदनाम करने के लिए सामने लाएंगे। और वो पाकिस्तानी मुसलमान अपना भाई भी गंदा, बहन भी गंदी, बाप भी गंदा, ये सारी बातें कब होती है? अंदर खरवान नहीं होती है घर में, अंदर नमाज नहीं होती है घर में, अंदर अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। फिल्में देखते हैं, जबकि पाकिस्तानी कई चैनल्स हैं जो कुरान 24 आवर्स चलती है वो देखो, कई है, नूर चैनल है, पीस टीवी चैनल है, पाकिस्तानी कई ऐसे चैनल्स हैं जो रमज़ान या दूसरे दिनों में भी अहादीस बताते हैं, त्यौहारों के वक्त ईदुल्फितर ईदुज़ुहा के वक्त में इस्लामी प्रोग्राम्स रखते हैं, वो देखना नहीं चाहते, सिर्फ गंदी फिल्में देखना चाहते हैं, जो फिल्मों में आज तक मैं नहीं समझता कुछ फ़ायदा हुआ है। अब एक नया शोशा शुरू हुआ है, इसके बाद बात ख़त्म कर दूंगा। सलमान खान की फिल्म बन रही है, वो मेंटल से नाम जय हो कर दिया, लानत भेजो ऐसे मुसलमान को, जो जय हो से उसको क्या मिलना है, लानती मुसलमान, ये मुसलमान है, ये गंदे मुसलमान है ही नहीं है, ये गुनाहगार है, इनको मारने वाला जूते कोई नहीं है वहाँ इंडिया में, वरना इनको मुसलमान से भी बुलाओ मत, अल्लाह तआला का नाम के मुसलमान है, निकाल फेंको, इनको ईमान नहीं है इनके पास, जो ईमान अमल करने वाला ईमान वाला है। तो ये जो है वो नाम रख दिया। अब वो फिल्म दुबई की शूटिंग है, और वहाँ पर जो है शूटिंग देखने वाले को भी जो है उसको टिकट लेना पड़ेगा। और आप अमेरिका में आ जाओ, यहाँ मेरे मैं 7th Avenue से 12th Avenue तक, यहाँ 11th, 12th Avenue वेस्ट साइड की तरफ, हडसन रिवर की तरफ बता रहा हूँ, डाउनटाउन में आ जाओ, मिड टाउन में आ जाओ, आप देख लो शूटिंग्स होते, कोई नहीं देखता यहाँ।
हमारे पागल जो है शूटिंग अगर देखेंगे तो बोर हो जाएंगे, जैसे वनडे मैच या वो सिक्स डेज का पहले पाँच दिन का मैच होता था, वो ड्रा होता था, उसमें इंसान बोर हो जाता था। और मैं समझता हूँ वो वनडे मैच में भी बोर हो जाता था, मैं शौक के ज़माने की बात कर रहा हूँ। तो उसी तरह शूटिंग अगर देखा गया तो फिल्म से भी उसका दिल भर जाएगा। खैर बाज़ वक़्त अच्छे सबक आमोज़ फिल्में आती हैं, जैसे मेरी नज़र में लगान है, या रंग दे बसंती है, या हाल ही के अंदर मैंने मिल्खा सिंह भी देखी, लेकिन वो गैर है मगर पैगाम अच्छा था। हमारे मुसलमान, हमारा अपना मुसलमानों का एक फिल्म बना है, जैसे मैं चाहता हूँ मगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास वक्त है मगर मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास इल्म है, पूरे मजहब का इल्म है, अल्लाह जानता है, मैं फ़ख्र से नहीं कर रहा हूँ, वो अल्लाह ने मुझे रब्बी जिंदी इल्मा से दिया है, मैं ईमान रख कर जो है वो दुआएँ पढ़ता हूँ, उसमें असर है, मैं वो बातें तुम तक पहुँचा रहा हूँ। ऐ मुसलमान, शयातीन जिन्नात से बचो, शयातीन जिन्नात अपने बच्चों के साथ सेक्स लेते हैं, शयातीन जिन्नात तुम्हारे घरों में खतलो गारतगिरी कराते हैं, शयातीन और जिन्नात की वजह से लड़कों लड़कियाँ शादी नहीं करना चाहती, शयातीन जिन्नात की वजह से बच्चे जो है शादी नहीं करना चाहते, और ये समझते हैं कि वो मर्दानगी कम है या औरत में औरत का मादा कम है समझते हैं, जबकि ये बात नहीं है। अगर से ये तुम लोगों को एस्ट्रोलॉजर या पाल्मिस या फिर जो है वो सेक्स के डॉक्टर्स बोल के तुम्हारा पैसा ऐंठने के लिए तुमको जो है क्लिनिकों को बुलाकर तुम्हारी कमजोरियां तुम बताने के बाद तुमसे भी फ़ायदा उठा लेंगे, सेक्स के अतबार से भी फ़ायदा उठा लेंगे, पैसे के सब, ये सब हो चुका है, ये सारी बातें मैंने देखी है, मेरी ज़िंदगी सिर्फ रिसर्च में गुजरती है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, मैं अल्लाह के बंदे को अल्लाह का रास्ता दिखाना चाहता हूँ, मैं वो रहबर हूँ जो अल्लाह के सिरात मुस्तकीम को पकड़ने वाले को टिकट दिलाना चाहता हूँ, मैं वो इंसानियत को पैगाम देता हूँ जो मदर टेरेसा या राम कृष्णन या फिर जो है अब्दुल सत्तारी दी जो इंसानियत की खिदमत करते, मैं वो नहीं हूँ, मैं वो जन्नत की राह बताने वाला हूँ, क्योंकि जन्नत मुझे मिली हुई है और जन्नत के लिए मैं जो है दूसरों के लिए तड़पता हूँ, चाहे वो गैर क्यों ना हो, अल्लाह उसको इस्लाम दे, चाहे वो हमारा अपना क्यों ना हो, वो कुरान समझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।